एक श्रापित जंगल से दो पक्षी जा रही थी। अचानक उस जंगल में से एक शैतान चुड़ैल बाहर आती है और अपने जादू से उन दोनों पक्षियों को पेड़ बना देती है। ऐसे ही जब भी कोई पक्षी उस जंगल से जाता था, उनको भी शैतान चुड़ैल पेड़ बना देती थी। एक बार एक टुनी चिड़िया उस जंगल में से जा रही थी, तब अचानक वह शैतान चुड़ैल फिर से बाहर आती है और टुनी चिड़िया को भी पेड़ बनाने जा रही थी। तब भी अचानक टुनी चिड़िया जादू मंत्र से उस शैतान चुड़ैल को पेड़ बना देती है और जितने भी पक्षियों को उस शैतान चुड़ैल ने पेड़ बनाया था, उन सब को आजाद कर देती है। एक दिन पिंटू साइकिल लेकर जा रहा था तो उसे अचानक भूख लग गया। तो वो सोचने लगा कि सामने अगर कोई अच्छा सा खाने का दुकान होगा तो उधर ही रुककर खा लूँगा और थोड़ा सा घर के लिए भी लेकर जाऊँगा। तो कुछ देर चलने के बाद रास्ते में एक समोसा का दुकान दिखता है और समोसा खाकर घर के लिए भी कुछ लेकर जाता है। लेकिन जब वो जा रहा था तो उसके पीछे पीछे एक डायन भी आने लगता है। फिर वो सोचा, सामने जो कब्रिस्तान है उधर अगर कोई साधु बाबा मिल जाएगा तो उससे मैं इस डायन का पीछा छुड़वा लूँगा। फिर पिंटू कब्रिस्तान के सामने आकर एक साधु बाबा को उस डायन से पीछा छुड़ाने के लिए बोलता है। फिर वो साधु अपने मंत्र से उस डायन को भगा देती है। एक तालाब के किनारे टुनी और उसके दो प्यारे बच्चे रहते थे। एक दिन जब टुनी के दो बच्चे तालाब के किनारे खेल रहे थे, तब अचानक तालाब में टुनी के एक बच्चे गिर जाता है। फिर जब टुनी देखा कि उसका एक बच्चा गिर गया है तालाब में, तब टुनी तालाब के पास आकर रोने लगती है। तब अचानक तालाब में से एक परी निकलती है और टुनी के पूछती है, तुम क्यों रो रहे हो? फिर टुनी परी को सारी बात बोलती है। परी यह सुनकर बोलती है, बच्चे को वापस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। पिछले कहानी में परी ने जैसा कि बोला था, टुनी को उसके मुताबिक परी ने टुनी के बच्चे को वापस कर देती है। फिर टुनी खुश हो जाती है। टुनी के बच्चे फिर से खेलने लगती है। आपको ये कहानी कैसा लगा तो वो कमेंट बॉक्स में बोलिए। ऐसा कहानी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को धन्यवाद। एक पेड़ में कौआ ने दो अंडे दिए थे और उसी पेड़ में एक जहरीला सांप भी रहता था। एक दिन सांप ने कौआ का एक अंडा खा लिया, जिसके कारण कौआ बहुत ही गुस्सा हो जाती है उस सांप के ऊपर। एक चालाक पक्षी ये देखकर कौए को बोलती है, तालाब में जब महारानी नहाने आएगी तब उनका एक कीमती हार सांप के गड्ढे में रख देना, फिर सांप का काम तमाम हो जाएगा। ये चीज़ सुनकर कौए ने ऐसा ही किया। फिर कुछ देर बाद पहरेदारों ने कीमती हार को ढूंढते हुए सांप के गड्ढे के पास आकर सांप को मारकर वो हार लेकर चले जाते हैं। फिर कौआ खुश हो जाती है। इस कहानी से सीख मिलता है, जैसी करनी वैसी भरनी। मोंटू और रिंटू जब देखते हैं सांप एक जगह पर जाकर रुक गया है, तो मोंटू रिंटू को बोलता है, पकड़ो पकड़ो सांप को, जल्दी से पकड़ो। अचानक सांप चीकू के बीबी की रूप में डायन बन जाती है। मोंटू ये देखने के बाद डर डर कर बोलता है, ये क्या चीकू की बीबी, तुम इधर इधर क्या कर रही हो? चीकू की बीबी बोलती है, मैं इधर तुम्हें मारने आया हूँ। मैंने तुम्हें आम चोरी करते हुए देख लिया था। सिर्फ इसी वजह से तुमने मुझे बेरहमी से मार डाला है ना? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। मोंटू डर के मारे जान की भिक्षा मांगने लगता है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गया है।
टूनी की मम्मी का एक आम का खेत था और उसी खेत में टूनी अपनी आमों की फसल किया करती थी। लेकिन एक बार क्या हुआ, एक डाइन की नज़र टूनी के आम के खेत पर पड़ता है और डाइन सोचती है इधर इतने रसीले आम हैं, क्यों ना मैं इधर रह जाऊं, जिसके वजह से टूनी के सारे आम सड़ जाते हैं। टूनी जब अगले दिन अपने खेतों में आती है तो देखती है सारे पेड़ की आम सड़ चुके हैं, जिसे देखकर टूनी उदास हो जाती है। उसी पल डाइन बाहर आती है और टूनी को खाने जाती है। अचानक टूनी की मम्मी आ जाती है और डाइन को अपने जादू से भगा देती है और टूनी के सारे आम फिर से ठीक हो जाती है। एक जंगल में टूनी और उसके दो बच्चे अकेले रहते थे। एक दिन रात को अचानक टूना अपनी मम्मी की आवाज़ सुनकर उठ जाता है। टूना बेटा, टूना थोड़ा बाहर आओ। टूना बाहर की तरफ जाने लगता है। टूना के मम्मी टूनी अचानक आ जाती है और टूना को घर के अंदर लेकर जाता है। टूनी टूना को पूछती है, बाहर क्यों जा रहे थे? टूना बोलता है, आप ही ने तो बुलाया था मम्मी। टूनी समझ जाती है और बोलती है, वो मैं नहीं था, वो एक चुड़ैल है जो बाहर के पेड़ में बैठी रहती है और जैसे ही कोई उसके पास जाता है उसको खा जाती है। पीनू की सौतेली मम्मी पीनू के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करती थी, जिसके कारण पीनू बहुत ज़्यादा उदास रहता था। एक दिन पीनू ने सोचा कि मौका मिलते ही घर से भाग जाऊंगा। एक दिन जब पीनू की मम्मी सो रही थी तो पीनू घर से भाग जाता है और एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठता है और बहुत ही रोने लगता है। फिर उस पेड़ से एक भूत बाहर निकलता है, जिसे देखकर पीनू बहुत ज़्यादा डर जाता है। लेकिन भूत बोलता है, मुझे देखकर डरो मत, बोलो क्या हुआ है, तुम क्यों इतना रो रहे हो? फिर पीनू सारी बात उस भूत को बोलता है। फिर भूत ने पीनू को बहुत सारे सोने की सिक्का देती है, जिससे पीनू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। चीकू का ताजे और पक्के आम के वजह से जंगल के सारे पक्षियाँ उसी के पास से आम खरीदते थे, इसीलिए मोंटू और रिंटू के पास से कोई भी नहीं आम खरीदते थे। जंगल का एक पक्षी आकर चीकू से पूछता है, चीकू भैया आप कैसे हो? हाँ भैया मैं ठीक हूँ। आपका आम इतना स्वादिष्ट है कि आपके आमों को छोड़कर मेरे बच्चे और कुछ खाते ही नहीं हैं। सच में आपके आम में कोई जादू है। ये आम तो मेरे पेड़ में होते हैं, शायद इसी वजह से ये सारे आम बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। शायद इसीलिए तुम्हारे बच्चे ये आम खाने पसंद करते हैं। अच्छा तो ये बात है। एक जंगल के बीच से बिट्टू जब जा रहा था तो उसने देखा कि उसके सामने एक सांप बैठा है। तो फिर बिट्टू ने सोचा, अगर ये सांप मेरे बच्चे को आकर खा गया तो उसके पहले ही मैं इस सांप को मार डालूंगा। तो ये बोलकर बिट्टू ने सांप को मार दिया। फिर जब उसी रास्ते से एक नागिन जा रही थी तो उसने देखा कि किसी ने ये सांप को मार डाला है। फिर नागिन अपने जादू से देखती है कि किसने मारा है ये सांप को। जब नागिन ने देखा कि बिट्टू ने सांप को मारा है, इसके बाद नागिन बिट्टू के साथ क्या करता है ये देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।